हजारीबाग में रिम्स से एसबीएमसीएच लौटने के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। 14 माइल के समीप एम्बुलेंस को रुकवा कर कुछ बदमाशों ने लूटपाट की और एम्बुलेंस चालक को चाकू से मार घायल कर दिया, फिर फरार हो गए। एसबीएमसीएच में घायल चालक का इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल में मौजूद पुलिस को घायल चालक ने घटना की सारी जानकारी दी। हमको जानकारी मिला कि उनको लग गया चाकू, इसलिए हम फिर देखने के लिए आए यहाँ पे। देखे तो बात भी सही से नहीं कर पा रहे और चाकू लगा हुआ है, नाक में भी लगा हुआ, ब्लड आ रहा है नाक से। यहाँ चेरी घाटी जो है 14 माइल जंगल में, वहाँ हम लोग को कुछ अज्ञात लोग गाड़ी रोका, पेशेंट के बन के एक आदमी नीचे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था और पेशेंट बन के वो गाड़ी को रोका। जब हम लोग नीचे उतरे तो पेशेंट नहीं था, वो फिर हम लोग पर छीना झपट्टी करने लगा और पकड़ के उसी में दौरान हम लोग के साथ मारपीट हुआ है। पायलट को 2-3 लोग पकड़ के घींच के जंगल की तरफ किया, उसी के दौरान चाकू से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।